हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भूमि एक बहुत ही अमीर औरत थी। उसके 3 लड़के थे। भूमि ने तीनों लड़कों की शादी करवाने का अपने मरते हुए पति को वादा किया था। कुछ दिनों बाद भूमि तीनों लड़कों के लिए अच्छी लड़की देखकर उनका रिश्ता तय कर देती है और कुछ ही दिनों बाद तीनों बेटों की एक साथ शादी करती है। शादी के अगले दिन जब तीनों बहुएं टेबल पर खाना परोसती है तो बड़ी बहू महक बोलती है, आज मैंने खास आपके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आज तो तुम तीनों की पहली रसोई है ना, और तुमने मूली के पराठे बनाए हैं। मंझली बहू और छोटी बहू, आज तुमने क्या बनाया है? मंझली बहू खुशबू और छोटी बहू सुगंधा साथ में कहती है, आज हमने साथ में मिलकर वेज पुलाव और रायता बनाया है। देखा माँ जी, आपकी तीनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। हाँ, दिख ही रहा है, लेकिन मेरे तीनों बेटे कहाँ रह गए? आज इन्हें जल्दी जाना था इसलिए वो चले गए। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और ये जॉगिंग पर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों हो ना, साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आओ बैठो। सब साथ में खाना खा ही रहे थे कि तभी महक धीरे से बिना आवाज का पाद मारती है और बहुत जोर से वहाँ बदबू फैल जाती है। भूमि चिल्लाते हुए कहती है, अरे कौन है ये बिना आवाज की गंध छोड़ती? नहीं पछता तो मत खाया करो ना मूली के पराठे। कौन साइलेंट पा छोड़ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सब अच्छे से पचता है, तभी तो बनाया है। और जो भी पाद मार रहा है ये, तो ये साइलेंट वे में पाद क्यों मार रहा है? आवाज तो कर ले थोड़ी। छोड़ो ये सब क्या बातें कर रहे हो आप सब, मुझसे तो इतनी गंदी बदबू में खाना ही नहीं खाया जाएगा। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा ही रहे थे कि तब तक खुशबू जोरदार आवाज वाला पर बिना बदबू का पाद मारती है और तब भूमि बोलती है, ये क्या था, बदबू पहले आई थी और आवाज अब आ रही है? आवाज तो खुशबू की तरफ से आ रही है। मतलब खुशबू तुमने मारा ये गंदा बदबूदार पाद? नहीं नहीं, मैंने तो अभी पाद नहीं मारी और मेरी पाद में तो बदबू भी नहीं है। तभी वही जोर से आवाज करते हुए सुगंधा भी बदबूदार पाद मारती है और खुशबू बोलती है, ये लो सुगंधा ने पाद मारी थी। कैसी बहुएं आई हैं घर में, तुम तीनों तो मेरा सांस लेना मुश्किल कर दोगी घर में। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो बस एक बार हुआ था, वो भी गलती से। लो कर लो बात, अब तक तो तुम ही दोनों पर इल्जाम लगा रही थी। तुम्हें भी विस्फोट करने की आदत है क्या? नहीं माँ जी, मेरे विस्फोट में बस आवाज ही है, बदबू नहीं। और मेरे में बस बदबू ही है, आवाज नहीं। कोई बात नहीं, ये तो कॉमन है, मेरे में तो आवाज और बदबू दोनों है, कोई बात नहीं। हे भगवान, कैसी बहुएं हैं ये, कोई गरज रही है तो कोई बरस रही है, और एक तो गरज भी रही है और बरस भी रही है। पदोड़ी बहुएं मेरे ही पल्ले पड़नी थी क्या? इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद भूमि की पड़ोसन लता उसके घर आती है और भूमि अपनी तीनों बहुओं से लता को मिलवाती है। लता तीनों बहुओं से मिलने के बाद कहती है, तेरे तीन बहुएं तो बहुत ही सुंदर है, तेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ वो तो मुझे ही पता है। क्या मतलब तेरा? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इतने में सुगंधा जोरदार पाद मारती है और लता हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, ये तो होता ही रहता है, लेकिन रूम फ्रेशनर डाल दे यहाँ, वरना मैं बेहोशी हो जाऊंगी। तभी खुशबू भी जोरदार पाद देती है और भूमि बोलती है, देखा मेरे भाग, ये तो इंसानी फितरत है, होता रहता है, और वैसे भी खुशबू बहू की पाद में बस आवाज है, बदबू नहीं। लता जैसे ही ये बोलती है कि तभी महक भी बिना आवाज के पाद मारती है और जैसे ही महक पाद मारती है लता मुंह बनाते हुए कहती है, अरे भूमि तू पता नहीं कैसे तीन पदोड़ी बहुओं के साथ रह लेती है, वरना मैं यही बदबू से उल्टी कर दूंगी। इतना बोलकर लता वहाँ से चली जाती है और कई दिन इसी तरह कहीं घर में बदबू तो कहीं आवाजें निकलने लगती हैं। कुछ दिनों बाद भूमि तीनों बहुओं के लिए हार बनवाती है और एक एक करके तीनों के कमरे में जाने लगती है। पहले भूमि सुगंधा के कमरे में जाकर बोलती है, छोटी बहू ये ले, मैं तेरे लिए हार लाई हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा चल अब मैं बाकी दोनों बहुओं के कमरे में जा रही हूँ, उन्हें भी तो हार देना है। आप इतने प्यार से लाई हो तो पहना भी दो ना। चल तू बोल रही है तो पहना ही देती हूँ। जैसे ही भूमि सुगंधा को हार पहनाती है तुरंत सुगंधा जोरदार बदबूदार पाद मारती है और पूरे कमरे में बदबू फैला देती है।
तभी सुगंधा बोलती है। सॉरी माँ जी, वो कल मैंने समोसे खा लिए थे इसलिए पाद आ रही थी बार बार। अरे करम चली, तुझे जब पता है तू विस्फोट करती रहती है तो तुझे क्या जरूरत थी समोसे खाने की। मैं तो बच गई बेहोश होते होते, मुझसे नहीं रुका जाएगा। और अब यहाँ सुगंधा को हार देने के बाद भूमि खुशबू के कमरे में जाती है। खुशबू अपने पति अजय के साथ बैठी होती है। भूमि के आते ही वो जोरदार पाद मारती है और अजय कहता है, खुशबू तुम्हारा विस्फोट तो कान के पर्दे हिला देगा। अरे अरे, ये क्या हाल बना रखा है, पहले पूरा घर खुशबू से महकता रहता था और अब देखो। माँ जी, आप यहाँ कोई काम है क्या? हाँ, वो मैं तुम्हें हार देने आई थी, तीनों भाऊओं के लिए बनवाया था मैंने। माँ, खुशबू को हार की जरूरत नहीं है, ढंग के आहार की जरूरत है। क्या आप भी, हो जाता है ये तो कभी कभी। नहीं, तुम लोगों से तो घर में चहल पहल रहती है, एक के पीछे रूम फ्रेशनर लेके भागो तो दूसरी से अपने कान बचाओ, और तीसरी तो महान ही है, उसके पास जाना तो खतरे से खाली नहीं है। इतना बोलकर भूमि महक के कमरे में जाती है और उसे जैसे ही हार देती है। महक बिना आवाज के बदबूदार पाद मारती है और भूमि बेहोश हो जाती है। और वहाँ बाकी की दोनों बहुएं और अजय आते हैं। भूमि को होश में लाया जाता है और अजय बोलता है, क्या हुआ माँ, आप अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? अरे सुगंधा बहू और खुशबू बहू, पाद मारती हो तो कम से कम खतरे से आगाह तो करती हो, लेकिन महक बहू तो सीधा हमला ही कर देती है। मतलब आप महक दीदी की बात से बेहोश हो गई थी? क्या दीदी, आप भी ना, आपकी पाद ने तो माँ जी को गिरा ही दिया। मैं कोई जान पूछ कर थोड़ी ना करती हूँ, कुछ भी बाहर का खाती हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, उसके बाद मुझे एक के बाद एक फाड़ आना शुरू हो जाता है। आपसे अच्छी तो मैं ही हूँ, बस आवाज ही आती है मेरी, बदबू नहीं होती उसमें। मैं तो पहले ही आवाज करके सावधान कर देती हूँ। चुप करो तुम तीनों, यहाँ तुम तीनों की वजह से घर का हाल बुरा हो रखा है, और तुम तीनों ही आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रही हो। हटो, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, यहाँ तो किसी के कमरे में आराम ही नहीं है। इतना बोलकर भूमि अपने कमरे में चली जाती है और बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और कई दिनों तक जब घर में यही सब चलता रहता है, तो एक दिन भूमि अपने तीनों बेटे संजय, अजय और विनोद और उनके तीन पत्नियों को बुलाती है और बोलती है, बहुत हो गया ये पदोड़ी बहुए। क्या हुआ माँ? यही हुआ है, तीनों बहू के चक्कर में घर में हमेशा बदबू ही रहती है, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हाँ, आप सही बोल रही हो माँ, हमें घर से मत निकालना। घर से किसी को भी नहीं निकलना है, लेकिन ये जो तुम तीनों की जहरीली बदबू है उसे बाहर निकालना है। लेकिन ये होगा कैसे? अब से तुम तीनों रोज सुबह व्यायाम करोगी, घर में सादा खाना ही बनेगा और बाहर का कुछ भी खाना ना ही घर में आएगा और ना ही तुम तीनों बाहर से कहीं खाओगी। जी माँ जी, इससे क्या हमारी पाद मारने की आदत ठीक हो जाएगी? हाँ, लेकिन तुम तीनों को रोज इसी तरह करना पड़ेगा। तीनों भूमि की बात मान लेते हैं और रोज व्यायाम करने लगते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं और बाहर का कचरा खाना छोड़ देते हैं। कुछ ही दिनों में तीनों की पाद मारने की आदत कम होने लगती है और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर सब बिना पाद मारे खुशी से रहने लगते हैं। एक आशीष नाम का लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा होता है और उस लड़की से बात करने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है और एक जगह पर बैठकर सोचते हुए बोलता है, अदिति सही थी, मैं गलत था, क्यों मैंने उस दिन वो ऐड देखा। व्हाइट ब्यूटी से मिलेगी अब और सुंदरता, होगा HD धमाका, क्योंकि अपने घर से बढ़कर मिलेगी HD ब्यूटी, फेस होगा ग्लो एंड व्हाइट। यामिनी एक ब्रांड फेस थी जो कि व्हाइट ब्यूटी क्रीम के ब्रांड को सपोर्ट किया करती थी। हालांकि वो खुद सांवली थी, पर जब वो टीवी पर आती थी तो काफी ज्यादा गोरी और सुंदर दिखा करती थी, जिसके चलते लोग उसके बहुत फैन थे और उसकी तरह ही सुंदर दिखने के लिए क्रीम का इस्तेमाल बहुत किया करते थे। साथ ही मार्केट में व्हाइट ब्यूटी क्रीम की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यामिनी के फैंस में से उसका एक फैन आशीष भी था, जो कि यामिनी और व्हाइट ब्यूटी क्रीम का इतना बड़ा फैन था कि वो लड़का होने के बावजूद भी उस क्रीम को इस्तेमाल करता था और वो हर किसी को वही क्रीम लगाने की सलाह भी देता था। एक दिन वो अपनी मंगेतर अदिति, जिसका रंग सांवला होता है, उससे मिलता है और उसके हाथों में वही व्हाइट ब्यूटी क्रीम देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए। फिर से ये व्हाइट ब्यूटी क्रीम, अरे मैं इसका क्या करूँगी यार,
तुम्हें पता है ना कि मैं इन क्रीम वगैरह से गोरी होना नहीं चाहती और मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करती। पता है मुझे, पर मेरे लिए लगा लो प्लीज। पता है इससे लगाकर कुछ ही दिनों में तुम गोरी हो जाओगी, मुझसे भी ज्यादा। फिर हमारी जोड़ी लगेगी लाखों में एक। यार तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या गोरा काला लगा रखा है तुमने? अरे तुम्हें मुझसे प्यार है या फिर मेरे रंग से प्यार है? एक बात बता दो मुझे, तुम्हें मेरी डार्क स्किन पसंद है या नहीं? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? अगर तुम्हारे दिल में कोई भी भेदभाव है ना, तो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अदिति को आशीष की बातें बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। आशीष को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अदिति को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अदिति नहीं मानती और लास्ट में वो उसको फोन मिलाकर मिलने के लिए बुलाता है। आशीष की बार बार जिद करने पर अदिति उससे मिलने आखिर आ ही जाती है, जहां आशीष उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लाता है और आइसक्रीम देते हुए उससे कहता है, सॉरी मैंने जो लास्ट में बोला उसके लिए। सॉरी क्यों बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब मैं ही अगर डार्क स्किन वाली हूँ तो, और हम दोनों मैच नहीं करते, पर एक बात कहूँ, इंसान को प्यार उसके गुणों से होना चाहिए, ना कि उसके रंग से। यार तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें बताओ गोरा कौन नहीं होना चाहता? अगर वाइट ब्यूटी को लगाने से तुम गोरी हो जाएगी तो इसमें बुरा ही क्या है? तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया था? प्लीज मेरे लगा लो इस क्रीम को, बस 2 हफ्ते और फिर रिजल्ट देख लेना। ठीक है, पर तुम ये मत सोचना कि इस क्रीम को लगाने के बाद मैं एकदम चांद की तरह चमकूंगी। अदिति उससे वाइट ब्यूटी क्रीम लेकर लगाना शुरू कर देती है और अब 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और अदिति के रंग में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही एक दिन वो फिर से आशीष से मिलती है और कहती है, देख लो मुझे क्या पता, अरे 4 पैकेट खत्म कर चुकी हूँ मैं इसके, लेकिन अभी तक मैं गोरी नहीं हुई। मैं नहीं मानता, तुमने यूज ही नहीं किया होगा। तुम्हें भी ना इस क्रीम पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंसान का रंग नहीं उसके गुण और उसकी पहचान मायने रखती है, पर नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर क्रीम लगाने से कोई ग्लो करने लगा तो नेचुरल चीजों को यूज कौन करेगा? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। इतना सब बोलकर अदिति वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और आशीष से बात करनी बिल्कुल बंद कर देती है। आशीष बहुत कोशिश करता है उसकी नाराजगी को खत्म करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है, जो कि अदिति की ही तरह डार्क स्किन की होती है और उसके हाथों में वाइट ब्यूटी क्रीम देखकर आशीष उससे बोलता है, सारी लड़कियां इस क्रीम को यूज कर रही हैं गोरा होने के लिए, बस अदिति को छोड़कर। आप भी यूज कर रही हैं ना इस क्रीम को, कोई रिजल्ट दिखा आपको? नहीं, मैं इस क्रीम को यूज नहीं करती, बट वो लड़की कुछ बोल ही रही होती है कि तभी कोई उसका नाम लेकर उसे आवाज देते हुए बोलता है, यामिनी मैम जल्दी चलिए, शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। उस लड़की का नाम सुनते ही आशीष को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने ऑफिस ना जाकर यामिनी के पीछे चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो लड़की असलियत में यामिनी थी, जो कि वाइट ब्यूटी क्रीम को प्रमोट किया करती थी। उसका रंग देखकर आशीष बिल्कुल दंग रह जाता है और उसके तोते उड़ जाते हैं। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद यामिनी का एक्ट खत्म हो जाता है। यामिनी वहां से निकल ही रही होती है कि तभी आशीष उसे रोक लेता है और उससे बात करते हुए उसे पता चलता है कि टीवी पर दिखने वाली यामिनी असल में मेकअप और कैमरा के इफेक्ट के चलते इतनी ज्यादा खूबसूरत और बेदाग नजर आती है, जबकि वास्तव में वो ऐसी नहीं थी, वो तो एक सावली सी लड़की थी। इतना कहकर यामिनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आशीष को कुछ भी समझ नहीं आता कि असल में ये सब क्या चल रहा है। वो सोचते सोचते एक जगह जाकर बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेता है, जिसके बाद वो अदिति को फोन करता है और उससे कहता है, अदिति तुम बिल्कुल सही कहती थी, कोई भी क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता, ये सब छलावा है जनता को लुभाने के लिए। आज मैंने अपनी आंखों से सारा सच देखा है, तब जाकर मुझे समझ आया। आशीष आखिर बात क्या है, तुम मुझे पूरी बात बताओगे? तभी आशीष अदिति को सारा सच बता देता है
कि आखिर उसने किस तरह आज यामिनी की वाइट ब्यूटी क्रीम का सच देखा। साथ ही वो उससे बोलता है, अदिति सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम सही थी, ये सब एक झूठ है, इस क्रीम को लगाने से कोई गोरा नहीं होता। शुक्र है भगवान का जो तुम्हारी आँखों पर वाइट ब्यूटी की पट्टी बंधी थी ना, आखिरकार वो उतर ही गई और तुम्हें समझ आ गया। अदिति से बात करने के बाद आशीष एक फैसला लेता है और YouTube पर अपना खुद का एक चैनल बनाता है जिसमें वो लोगों को वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देखना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो कितना ज्यादा असर करती है और कितना नहीं। धीरे धीरे उसका ये वीडियो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है और पब्लिक उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। साथ ही अदिति भी इसमें उसका पूरा साथ देती है। ऐसे ही एक दिन आशीष एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बोलता है, दोस्तों आप सबको पता ही होगा वाइट ब्यूटी के बारे में, आपने देखा भी होगा किस तरह से ये कंपनी बड़े बड़े दावे करती है और आज इन्हीं दावों की वजह से ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। पर मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि इनके सारे दावे बिल्कुल झूठे हैं। इस क्रीम को लगाने से आप 10-15 या महीने भर में तो क्या कभी गोरे नहीं होंगे। तो प्लीज इस तरह के किसी भी धोखे से बचिए। अगर आप किसी कंपनी के दावे पर विश्वास करके कोई चीज ले रहे हैं, पहले उसके दावे और उसके प्रोडक्ट को सही तरीके से जांच लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आशीष के ये वीडियो पब्लिक को बहुत पसंद आती है जिसके बाद उसका नाम यूट्यूब पर बहुत फेमस हो जाता है। कुछ ही समय के बाद आशीष और अदिति एक दूसरे से बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए लंदन चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद अदिति को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और 9 महीने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी गोरी चिट्टी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। संजना एक बहुत ही सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे घर के सारे कामकाज करना बहुत ही अच्छे से आता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसके लिप्स बाकी लड़कियों की तरह रेड या पिंक नहीं बल्कि ब्लैक थे, जिसे देखकर लोग उस पर काफी सारे कमेंट्स पास किया करते थे। ऐसे ही एक दिन संजना मार्केट में फल खरीद रही होती है कि तभी कुछ लोग उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे इसके लिप्स तो देखो कितने काले हैं, जैसे किसी ने होठों पर कोयला घिस दिया हो। मैं तो ऐसी लड़की को कभी अपनी फ्रेंड ना बनाऊं, प्यार हो गया ना तो किस भी नहीं कर पाऊंगा। बंद करो ये सब बोलना। तभी जोर से अलार्म संजना के कानों के पास बजता है और वो एकदम से उठ जाती है। शुक्र है भगवान का कि ये सब कुछ एक सपना था। खैर क्या फर्क पड़ता है सपना हो या हकीकत, लोग बोलते तो मुझे यही है ना। संजना कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ शिवन्या से कहती है, मम्मी पापा कहाँ है? अरे बेटा यही होंगे, क्या हो गया? अरे मम्मी आज मैं लेट हो गई हूँ, पापा से बोलो कि मुझे कॉलेज छोड़ देंगे। ठीक है अभी बुलाती हूँ। ऋतिक जी सुनिए आना जरा, संजना कॉलेज के लिए लेट हो रही है, जरा उसे छोड़ आइए। ऋतिक उसे अपनी स्कूटी पर बैठाता है और कॉलेज छोड़ आता है, जहाँ जाकर वो अपने दोस्तों से मिलती है और बोलती है, हाय मोनी, हाय पिया, कैसी हो तुम दोनों? ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ, तू सुना सब बढ़िया? हाँ है भी और नहीं भी। तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? अरे यार क्या बताऊँ, जिसे देखो मेरे ब्लैक लिप्स देखकर मेरा मजाक बनाता रहता है। यार सच बताऊँ ना, एक दिन ना मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी ये सब सुन सुन कर। डोंट वरी यार, लोगों का काम है कमेंट पास करना और नेगेटिविटी फैलाना, लीव इट यार। ऐसे ही तीनों दोस्त बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है कि तभी पिया अपने फोन में रील्स चलाती है और देखती है कि उसमें एक ऐसी लड़की भी है जो पिंक लिप्स होने के बावजूद भी ब्लैक लिपस्टिक लगाकर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है और ऐसा ही करने का वो भी फैसला लेती है और अपनी सहेलियों के साथ लिपस्टिक खरीदने के लिए एक दुकान पर चली जाती है। तभी मोनी बोलती है, संजना अब ये लगाकर देख कैसी लगती है। आर यू श्योर बेब्स, ये आइडिया काम करेगा ना? डेफिनेटली ये आइडिया वर्क करेगा, बस तेरा थोड़ा सा मेकओवर कर दिया जाए, फिर तू पटोला लगेगी, बिल्कुल पटोला। कॉलेज से जाने के बाद दोनों मिलकर संजना का मेकओवर कर देती हैं और संजना बैग से मिरर निकालकर
जल्दी से अपने लिप्स पर ब्लैक लिपस्टिक लगा लेती है और जैसे ही संजना उसके बाद खुद को मिरर में देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वाओ यार, तुम दोनों ना मेरी एकदम सच्ची वाली पक्की वाली सहेलियां हो। तुमने तो मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। थैंक यू सो मच। बस अब ज्यादा थैंक्स मत बोल, तुझे पता है ना दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। समझी संजना मैडम, अब जा और लड़कों को अपने कातिल और बोल्ड लुक से फिदा कर। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब संजना पर कोई भी गलत कमेंट्स पास नहीं करता बल्कि उसकी इस अट्रैक्टिव लुक को देखकर लड़के उसके पीछे पागल हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो मॉल से शॉपिंग करके घर आ रही होती है और उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं कि अचानक सामने से आते हुए एक कार नजर आती है और संजना उस कार को रोकते हुए बोलती है, प्लीज हेल्प मी, कार रोक दीजिए। संजना के कहने पर कार रुक जाती है और उससे एक बहुत ही हैंडसम सा साहिल नाम का लड़का निकल कर आता है और बोलता है, मिस कहाँ जाना है आपको? मुझे थोड़ा सा आगे तक जाना है, प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। ओके, चलिए बैठिए। ये सब सुनकर संजना कार में बैठ जाती है और साहिल उससे कहता है, अरे आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे वो कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी ना, बस इसलिए। ओ कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? जी मेरा नाम संजना है, और आपका? माय सेल्फ साहिल, साहिल शर्मा। एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। क्या मैं आपसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, वैसे मेरा घर आ गया है, गाड़ी रोक दीजिए। आपका घर यही है ना, सामने वाला? जी बिल्कुल, और ये लीजिए मेरा नंबर, कॉल मी एट 9 PM। संजना के जाने के बाद साहिल भी अपने घर चला जाता है और रात को 9 बजे उसे कॉल करता है, जिसके बाद दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन साहिल संजना को लेकर एक स्पेशल जगह पर जाता है जहां दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच साहिल उससे बोलता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। वैसे कल से तुम आज ज्यादा हॉट लग रही हो। वक्त बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद साहिल एक दिन उसे प्रपोज कर देता है और बोलता है, संजना तुम बहुत अच्छी हो और तुम मेरी जिंदगी की वही लड़की हो जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ साहिल, मैं तुमसे शादी जरूर करूँगी। कुछ ही दिनों के बाद दोनों अपने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं और धीरे धीरे संजना अपने ससुराल के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रजनी उससे बोलती है, अरे बहू जरा मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मुझे कहीं जाना है। जी माँ जी, कौन से कपड़े प्रेस करूं? अरे जो छत पर कपड़े पड़े हैं वही दे दे मुझे। और ये अपने होठों पे क्या लगा रखा है तूने काला काला कोयला की तरह? बहुओं की तरह लाल लाल लिपस्टिक लगाया कर। वो माँ जी, मुझे यही कलर पसंद है इसीलिए मैं यही लगाती हूँ। अरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ला मैं ही तुझे लगा देती हूँ लिपस्टिक। तू भी क्या याद रखेगी कि तेरी सास ने तुझे लिपस्टिक लगाई? नहीं माँ जी, आप मत कीजिए, मैं खुद कर लूँगी। रजनी संजना के होठों पर से काले लिपस्टिक हटा देती है, जिसके बाद वो अपनी बहू के काले होठों को देखती है, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी बहू के होठों को टिश्यू पेपर से साफ करती है और उससे कहती है, बहू ये क्या है, तेरे होठ तो अभी भी काले लग रहे हैं, ये क्या माजरा है आखिर? वो माँ जी, मेरे होठ ही काले हैं हमेशा से। करम जली नास पीटी, डायन जैसे होठ है तेरे और तूने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। तभी ये बात पीछे खड़ा हुआ साहिल सुन लेता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो खुद अपनी पत्नी संजना का साइड लेकर अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ मैंने सब सुन लिया है और अगर संजना के लिप्स ब्लैक भी हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्यार के खातिर ही उसने मुझसे ये बात छुपाई होगी, है ना संजना? बेटा तू इसकी बातों में मत आ, बहुत चालू लड़की है ये, अरे धोखे से तुझे प्यार में फंसाया और तुझसे शादी कर ली इसने। माँ अगर ऐसा होता तो ये मुझसे पैसे लूटकर मुझे बेवकूफ बनाकर छोड़ सकती थी,
पर इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मुझसे सच्चा प्यार करती थी। और अगर होठ काले हैं तो क्या हुआ, उसका दिल तो काला नहीं है। संजना तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ साहिल, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। देखा माँ आपने, और वैसे भी संजना घर को संभालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हाउसवाइफ है। इस तरह रजनी अपनी बहू को एक और मौका दे देती है और उसे अपना लेती है। यूं ही वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे संजना रजनी को खुश कर देती है, साथ ही वो ब्लैक लिपस्टिक की जगह अपने लिप्स पर पिंक और रेड लिपस्टिक भी लगानी शुरू कर देती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये ब्लैक लिप्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके लिप्स इसी तरीके से ब्लैक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।